In this module, we will discuss different types of ecological variations. We can classify ecological variations into habitat variations, variation induced by climatic conditions, host determined variations, density-dependent variations, allometric variations, neurogenic color variations. Now we'll discuss these variations one by one. First of all, habitat variation. अगर हम एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर देखें तो उनके अंदर वेरिएशंस काफ़ी तौर पर वाज तौर पर नज़र आ रही होती है क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं उसके अंदर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मौजूद होती है क्योंकि एक जो स्पीशीज है उसकी जो निच है वो काफी ब्रॉड होती है जब एक स्पीशीज के मेंबर डिफरेंट किस्म के हैबिटेट के अंदर रहते हैं तो क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी करती हैं उन एन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं ये वेरिएशंस कलर वेरिएशन हो सकती हैं या फिर किसी और करेक्टर के अंदर वेरिएशन हो सकती हैं हमने ये भी देखा था कि ऐसे करेक्टर्स जो कि लेस वेरिएबल होते हैं वो टेक्सोनमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे करैक्टर्स जिसके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है ये लो वेटेज करैक्टर्स कहलाते हैं अगर हम ऑइस्टर की बात करें तो ऑइस्टर स्टिल वाटर के अंदर इसकी जो शेप है वो राउंड होती है और ये ब्रॉडर होते हैं लेकिन अगर इन्हीं ऑस्टर को स्ट्रॉन्ग क्रांट्स के अंदर ये मौजूद हैं तो स्ट्रॉन्ग वाटर क्रांट्स के अंदर होने की वजह से ये नैरो नैरोगेटेड और आमतौर पर स्ट्रेट होते हैं इसी तरीके से यही जो ऑयस्टर है अगर ये क्लीन वाटर के अंदर और पेबल्स के ऊपर मौजूद हैं तो इनका जो लोअर वेल्व है वो डीप होता है मोर और लेस शार्पली रिप्ड होता है टू एक्वायर स्ट्रेंथ ये इसकी जो पोजीशन है या इसके जो स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज है ये इस वजह से है कि जो ये जो सरफेस जहां पे ये मौजूद है वहां पे स्ट्रेंथ हासिल करनी है इसने लेकिन अगर ये किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे सरफेस स्मूथ है तो वहां पे ये जो इसका जो करेक्टर है वो वेरी करता है इसी तरीके से अगर मडी एरिया के अंदर एक ऑयस्टर मौजूद है तो वहां पे ये इसका जो लोअर वेल well है ये कॉमनली लेस रिब्ड होता है तो ये जो वेरिएशन है डिफरेंट हैबिटेट के अंदर ये क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर जो सरफेस अवेलेबल है वो डिफरेंट है तो वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसका जो लोअर वेल well जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होता है तो ये बेसिकली एक इकोलॉजिकल वेरिएशन है क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट के साथ डिफरेंट हैबिटेट के अंदर क्योंकि जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है इस वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वेरिएशन उसके हिसाब से आ रही है ताकि वो अपने आप को वहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट कर सके